नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे डाइस के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। जब डाइस करा रहे थे, डाइस का लेक्चर जब हमारा स्टार्ट हुआ था, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि ये डाइस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें सॉल्व करने का तरीका बताया गया था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ओपन डाइस भी बताया गया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये वाला जो हमारा लेक्चर होगा, ये वाला जो क्लास होगा, इसमें हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। उसमें आपको टाइप बता दिए गए थे, रूल्स बता दिए गए थे कैसे इनको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि चार बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। तो हमने क्या बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि कितने नंबर्स कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ये वाला कॉमन है आपका और एक ये कॉमन है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 डॉट्स हैं और यहाँ भी 5 डॉट्स हैं। अब इन्हीं को क्या करिए, इनको पकड़ करके क्या कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5 डॉट हैं, फिर 4 है, फिर 2 है। इसको एंटी क्लॉकवाइज पकड़ के घुमा दीजिए, 5 के नीचे 5 रहेगा, फिर 3 और फिर 1। अब आपसे क्या पूछा है, 4 के विपरीत। तो देखिए, 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, 4 के विपरीत होगी 3। अगर 1 के विपरीत पूछता तो 1 के विपरीत होता 2, और अगर 5 के विपरीत पूछता तो जो संख्या यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कौन सी नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन सी नहीं है, 6 नहीं है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 6। तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 6 होगी। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही जल्दी सॉल्व हुआ। ठीक, 5 सेकंड से भी कम समय में आप सॉल्व करेंगे। देखिए, बस क्या है, खाली प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि अंक दो शिखर पर तो तल में अंक होगा, यदि अंक दो शिखर पर है तो तल में अंक होगा। देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, किसी भी संख्या को जो कॉमन हो उसको ले लीजिए। ठीक है, किसी भी संख्या को जो कॉमन हो उसको ले लीजिए। किसको लेंगे बताइए, देखिए, या तो आप इसको इसको ले लीजिए, ठीक है, इसको इसको ले लीजिए, इसको इसको ले सकते हैं, या तो इसको इसको ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। तो देखिए, एक वाला हमने बता दिया, दो वाला देखते हैं। ठीक है, या दोनों से हम करके दिखाते हैं कि दोनों से हमारा आंसर कैसे आएगा। ठीक, तो देखिए पहले इसको क्या बना लीजिए आप, डाइस बना लीजिए। देखिए, ये हमारा डाइस बन गया। और हम किसको लेते हैं, इन दोनों को पहले लेते हैं, इसको और इसको। ठीक है, ये वाले को और इस वाले को। देखिए, यहाँ पे 6 है, 1 है, 4 है, फिर 4 है, 1 है, 2 है। हमने क्या बताया था कि यहाँ पर अगर दो संख्याएं कॉमन हैं, दो संख्याएं क्या है, कॉमन है, तो उनमें क्या करेंगे, जो बची हुई संख्या होगी वो एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। यही तो हमने बताया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 है और 4 है, यहाँ पे देखिए 1 है और 4 है, ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे बची हुई संख्या क्या है, 6 है और 2 है, तो 6 एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। 6 और 2 क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। इससे समझ में आ गया। अब देखिए दूसरे से, ठीक है, इसको उठा लीजिए, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए। ठीक है, इसको और इसको ले लीजिए। देखिए, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, 5 है, 3 है, 6 है। ठीक, फिर क्या है दूसरे में, दूसरे पासे में है 4, 1 और 2। देखिए, हमने क्या बताया था आपको कि अगर एक भी नंबर कॉमन ना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो संख्याएं जिस बॉक्स में रखी हुई हैं, ठीक है, या जिस खाने में हैं, वही संख्या उसके विपरीत वाले खाने में होंगी। देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, तो यहीं पे 4 का ये क्या होगा, 5 जो है ये किसका विपरीत होगा, 4 का होगा। यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 किसका विपरीत होगा, 1 का होगा। तो 3 किसका विपरीत है,
एक का है, और अगर यहाँ पे 6 है तो 6 किसका विपरीत होगा, 6 विपरीत होगा 2 का। तो देखिए इससे भी हमारा आ गया, इससे भी आ गया, क्या पूछा है 2 का पूछा है, तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 6। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है कि दो शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा, दो शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। अब यहां देखिए, यहां पे देखिए क्या है, किसी भी संख्या, जितनी भी संख्याएं कॉमन हो उनको देखिए पहले, कितनी संख्याएं कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए एक ये संख्या कॉमन है, एक ये कॉमन है, बस, मतलब दोनों उसमें पासे में एक एक संख्या कॉमन है, तो उनको क्या करिए, पकड़ करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, फिर 5 है, फिर 1 है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो 3 के नीचे 3 रहेगा, फिर 1 और फिर 6। अब क्या पूछा हुआ है, 2 के नीचे पूछा हुआ है। ठीक है, 2 3 है, 5 है, 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, 2 के नीचे पूछा हुआ है, तो 2 के नीचे कौन सी संख्या होगी, 2 के नीचे हमारी जो संख्या होगी 2 के विपरीत वो क्या होगा, 6 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ये इसके विपरीत हो जाएगा, 5 के विपरीत 1 हो जाएगा, और 3 के विपरीत जो संख्या यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी नहीं है, 4 नहीं है, तो ये 3 जो है, 3 के विपरीत कौन सी होगी, 4 होगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 का पूछा है, तो 2 का आंसर जो होगा वो आपका 6 होगा। ओके यहाँ तक क्लियर है, देखिए अगला प्रश्न, और अगला क्वेश्चन है आपका कि 5 शिखर पर है तो तल में अंक होगा, 5 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। ठीक है, देखिए 2 पासे दिए हुए हैं, इनमें देखिए कौन कौन सी संख्या कॉमन है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ 6 कॉमन है, यहाँ भी देखिए 4 कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है, मतलब 2 संख्याएं कॉमन है। ठीक है, और बताया गया था कि जब 2 नंबर कॉमन होंगे तो उनके लिए क्या होगा रूल, तो उसमें जो संख्याएं बची हुई हैं वो एक दूसरे की क्या होंगी, कॉमन होंगी। तो यहाँ देखिए 5 बचा हुआ है और 1 बचा हुआ है, तो 5 और 1 क्या होगी, एक दूसरे में क्या होंगी, विपरीत होंगी। ठीक है, एक दूसरे की विपरीत होंगी, तो 5 के विपरीत क्या है, 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, 3 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। ठीक है, 3 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। देखिए यहाँ भी देखिए क्या है, 1 नंबर कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, क्या करिए, 4 को पकड़ करके एंटी क्लॉक वाइज घुमा दीजिए दोनों के। देखिए 4 2 1, और इसमें देखिए 4 3 और 5, किसके पीछे, किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 2 होगी। क्या होगी, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 2 होगी। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो मज़ा आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और भी लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, यदि बिंदु 1 शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। यहाँ देखिए कितनी संख्याएं कॉमन है, यहाँ देखिए एक ये 3 कॉमन है दोनों में, और फिर एक दूसरा जो कॉमन है वो 2 कॉमन है, मतलब 2 संख्याएं कॉमन है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि अगर जब 2 नंबर कॉमन होते हैं, 2 नंबर्स कॉमन होते हैं, तो वहां पे जो संख्याएं बची होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे की विपरीत होती हैं। तो यहाँ देखिए 1 बचा है और 1 के साथ में क्या बचा है, 4 बचा है, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 4। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 2 सेकंड में खाली आंसर दे रहे हैं आप लोग, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, गारंटी है, 2 सेकंड से अगर ज्यादा लगे तो बताइएगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। यदि अंक 4 शिखर में है तो तल में अंक होगा। यहाँ देखिए देखिए कितनी संख्या कॉमन है, देखिए यहाँ भी कितनी है, 3 2 5 5 यहाँ है और 3 2 5 यहाँ है, 5 यहाँ, 2 है यहाँ, 2 है। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये दोनों क्या है, कॉमन है, तब 2 नंबर इसमें भी कॉमन है, कौन सी संख्या बची है, 4 बची है और 3 बची है। अब बताइए 4 के विपरीत कौन सा होगा, 3 होगा। देखिए 2 सेकंड बस, खाली क्वेश्चन पढ़ने की देर है, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत होगा? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत होगा? इसको इसको ले लीजिए, इन दोनों को देखिए, यहाँ पे हरा नीला है, हरा नीला है, देख ठीक है। अब हरा इसमें कॉमन है, हरा इसमें नीला भी है, हरा भी है, नीला भी है, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, आपका इससे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो संख्याएं कॉमन है, अरे दो नंबर कॉमन है, ठीक है, तो इससे नहीं निकल पाएगा। जिसमें एक कॉमन हो वो ले लीजिए, ठीक है, या फिर हरा भी कॉमन ना हो, ठीक है, वो लीजिए। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, इस वाले को और इस वाले को ले लीजिए, ठीक है, इसको और इसको ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लाल कॉमन है दोनों में, देखिए अब लाल वाले को पकड़िए और क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो पहले क्या है, लाल है, फिर नारंगी है, और फिर उसके बाद क्या है, बैगनी है। लाल, नारंगी और बैगनी, यहाँ भी देखिए लाल वाले को पकड़िए और घुमा दीजिए, तो क्या है, लाल है यानी रेड, फिर हरा, ग्रीन और नीला, ठीक है, लाल, नारंगी, बैगनी, लाल, हरा, नीला, ठीक है। देखिए क्या पूछा है आपसे, हरे रंग के विपरीत कौन सा होगा, तो हरे रंग के विपरीत कौन सा होगा, नारंगी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। अगला प्रश्न है, तीन शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा, क्या है, तीन शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। आप देखिए कितने संख्याएं कॉमन है, यहाँ पे चार कॉमन है, यहाँ दो कॉमन है, यहाँ भी चार कॉमन है, यहाँ भी दो कॉमन है, तो तीन कौन सी संख्या बची। ये बताया गया था कि जो संख्या बची होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, तो तीन बचा है हुआ है और कौन सा बचा हुआ है, छह बचा हुआ है, तो तीन एक, तो तीन और छह क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आंसर जो होगा आपका, तीन के विपरीत कौन सी संख्या होगी, छह होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यहां तक क्लियर है। देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा, ठीक है, ये जो साइन दिया हुआ है प्लस का, इसके ठीक सामने पूछा है कि कौन सा संकेत होगा। देखिए यहाँ पे कोई भी दो पासे को आप ले लीजिए, ठीक है, दो पासों को आप ले लीजिए। तो यहां से देखिए आप इसको और इसको ले लीजिए, या मन हो इसको ले लीजिए, किसी भी दो पासे को आप ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस वाले को पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हम सी और डी को ले लेते हैं, ठीक है, सी और डी को ले लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे कौन सा कॉमन है, यहाँ पे एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, ठीक है, और यहाँ देखिए एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, ठीक। तो यहाँ देखिए कितने संख्याएं कॉमन है, दो संख्याएं कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर वही चीज, यहाँ पे ये जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्व जो है ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें निष्कर्ष नहीं मिल रहा है या सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि कौन सा वाला जो होगा वो सही होगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे पासों को देखेंगे, ठीक है, दूसरे पासों को देखेंगे। तो देखिए इसको ले लीजिए और आप एक इसको ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये डिवाइड वाला साइन जो है यहाँ पे कॉमन है, तो डिवाइड वाले साइन को पकड़िए और क्या करिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या है, डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर सर्कल है, फिर यहाँ देखिए डिवाइड को पकड़िए और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो क्या है, डिवाइड के नीचे डिवाइड हो जाएगा, फिर प्लस, फिर ट्रायंगल का साइन है। तो यहाँ पे प्लस के नीचे कौन सा साइन होगा, प्लस के विपरीत कौन होगा, तो प्लस के विपरीत जो हमारा होगा ये होगा मल्टीप्लाई का साइन। ओके, प्लस के विपरीत जो हमारा साइन होगा, प्लस के अपोजिट जो साइन होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है, यदि अंक छह शिखर पर है, यदि अंक छह शिखर पर है तो तल में अंक होगा, क्या है, यदि अंक छह शिखर पर है तो तल में अंक होगा। तो यहां से देखिए कोई भी दो पासे को उठा लीजिए, इसको इसको उठा लीजिए, इसको और इसको उठा लीजिए, मतलब ये पहले वाले को और तीसरे वाले को उठा लीजिए, या तो पहले वाले को चौथे वाले को उठा लीजिए, या तो आप बस इन्हीं दोनों इनके साथ में किसी को भी ले लीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं कि पहले और तीसरे वाले को देखते हैं उठा लेकर के। तो यहाँ देखिए यहाँ पे तीन कॉमन है, यहाँ भी दो कॉमन है, यहाँ पे दो कॉमन है, तीन कॉमन है, मतलब दो नंबर कॉमन है, ठीक है, टू नंबर्स और कॉमन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो संख्या हमारी बची हुई है वो एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी।
तो देखिए एक के विपरीत क्या होगी, एक के विपरीत हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी, 6 होगी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ, अगले दूसरा देखिए, दूसरा कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इस ये वाले को और इस वाले को लें, ठीक है, इसको और इसको लें, तो यहाँ भी देखिए दोनों संख्याएं कॉमन है, यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, यहाँ देखिए क्या है, 1 और 6 बचा है, तो यहाँ भी 1 और 6 के विपरीत क्या होगा, एक दूसरे के ये विपरीत होंगे, तो 6 और 1 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे डाइस के और भी क्वेश्चंस के साथ में।